हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज मेधावी मेहरा एंड आई विल बी टीचिंग यू 11th इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में पिछले हमने कितने सारे कंसेप्ट्स किए थे, ठीक है ना। हमने उसमें टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट ये सब पढ़ा था। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्चुअल में रिटर्न्स टू फैक्टर्स जो होते हैं उनके बढ़ने का कॉज क्या होता है, दैट मीन्स वो बढ़ते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है जिनके कारण रिटर्न्स टू फैक्टर्स में इंक्रीज आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कहता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर्स में इंक्रीज इन कारणों के कारण आता है। किन कारणों के कारण, पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब है जितने हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, यानी लैंड जितनी है या हमारा कैपिटल, जितना भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स है, वो सारे को हम प्रॉपरली अच्छे से पूरा ऑप्टिमाइज यूटिलाइज करें। दैट मींस अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से उसे यूटिलाइज यानी काम में लेकर आए। ठीक है, इन दिस इनिशियल स्टेजेस फिक्स्ड फैक्टर्स सच एज मशीन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज। इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। कहते शुरुआत में क्या होता है, जब हम शुरुआत में काम करते हैं ना, तो शुरुआत में क्या होता है, हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब है उनकी जितनी कैपेबिलिटी है, यानी वो जितना काम करने की उनमें क्षमता है उससे थोड़ा ही काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, एक मशीन उठा के वहां लगा दी कि इस मशीन से हम काम करेंगे। ठीक है, अब उस मशीन से पहले जब आप काम करोगे तो वो मशीन से आप पूरा काम नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि किसी चीज की आदत लगने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, उस मशीन को पूरा समझने में, उस मशीन के पूरा काम निकलवाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए वो यही कह रहा है कि शुरुआती स्टेजेस पे क्या होगा, वो मशीन अंडर यूटिलाइज्ड होगी। दैट मीन्स उसकी जितनी क्षमता होगी उससे कम वो काम करेगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि वो पूरा अच्छे से काम करे, वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी जितनी उसकी क्षमता है पूरा काम करे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वेरिएबल आपके जो फैक्टर्स हैं यानी आपके जो लेबर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनको और सिखाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस दिलवाना पड़ेगा, ताकि वो मशीनरी की जितनी कैपेबिलिटी है उस पूरे के अकॉर्डिंग काम निकलवा सके। ठीक है, hence initial as long as fixed factors remain underutilized additional units of the variable factors add more and more of the units। कहते क्या होता है कि जब शुरुआत में जब हम मशीनरी यूज करते हैं, शुरुआत में क्या होता है, क्योंकि वो अंडर यूटिलाइज होती है, जब जब मशीनरी अंडर यूटिलाइज होती है तो आप जितनी भी लेबर उसमें इंक्रीज करो, ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई चीज आपकी आपका फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज है और उसमें आप अपना वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जाओ, वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते जाओ, एक एक यूनिट इंक्रीज करते जाओ, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि चीज अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है ना, तो जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर्स को और बढ़ाते जाएंगे, उन्हें और सिखाते जाएंगे, तो क्या होगा, मशीनरी की जितनी कैपेबिलिटी है हम उसको पूरा करते जाएं। ठीक है, वो यही कह रहा है कि क्या होगा, एडिशनल यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर्स का पड़ेगा तो उससे और भी ज्यादा आउटपुट आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक एक यूनिट आप और वेरिएबल फैक्टर्स के डालते जाओगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स टेंड्स टू राइज, और क्या होगा, मार्जिनल फैक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मार्जिनल फैक्टर मीन्स एक एडिशनल यूनिट डालने के कारण आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। दैट मींस लेबर को प्रॉपरली डिवाइड करना, प्रॉपरली उन्हें अपना वर्क देना, साथ में उनकी एफिशिएंसी यानी उनका एक्सपीरियंस यानी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से उनको एक्सपीरियंस करवाना, उनकी एफिशिएंसी बढ़वाना, ताकि आपका काम अच्छे से हो सके, ताकि आपके फिक्स्ड फैक्टर्स अच्छे से
आउटपुट दे सके, ठीक है। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर एनेबल्स प्रोसेस बेस्ड अपॉन लेबर, स्पेशलाइज्ड वर्कर मे बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहते कई बार ऐसा होता है कि कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए होता है। स्पेशलाइज्ड लेबर का मतलब होता है वो लेबर जो उसी मशीनरी के काम करने के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी नॉर्मल वर्कर को जिसको मशीनरी नहीं चलानी आती उसको कहोगे कि ये मशीनरी रन करे तो वो काम नहीं कर पाएगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। वेयर एज कोई ऐसा होगा लेबर जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो स्पेशलाइज्ड होगा उस मशीनरी को काम करवाने में, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है। आउटपुट ज्यादा क्यों निकला, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी उस मशीनरी को काम कराने में ज्यादा थी, ठीक है। दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टेंड्स टू राइज। कहता है इसी से क्या होता है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी उन सबके बीच में मेल अच्छे से बैठना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स अंडर यूटिलाइज, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स टेंड्स टू इम्प्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स। वो कहता जब तक मशीनरी, जब तक फिक्स्ड फैक्टर आपका अंडर यूटिलाइज रहेगा, तब तक वेरिएबल फैक्टर्स आप जितना डालते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट केस देखते हैं, अगर मशीनरी, अगर आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड है, अच्छे से काम कर रहा है, जितना एफिशिएंसी है उतनी प्रॉपर काम कर, ठीक है, 100% आउटपुट निकल रहा है, उसके बाद भी आप वेरिएबल फैक्टर्स अपना और बढ़ाओ यानी लेबर को और इंक्रीज करो, तो क्या होगा, आपका आउटपुट डिक्रीज होने लग पड़ेगा। हमने पढ़ा है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, इवन हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरने लग पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा कि जितनी जरूरत थी वेरिएबल फैक्टर्स की उससे ज्यादा हमने एम्प्लॉय कर लिया है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी आउटपुट गिर गई है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एमपी इंक्रीज करता है, और एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। दैट मीन्स टीपी भी अच्छी स्पीड पे आगे बढ़ता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको तीन पॉइंट्स कि क्या कारणों के कारण रिटर्न्स टू फैक्टर्स बढ़ते हैं। पहला था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना। दूसरा था लेबर का अच्छे से डिवाइड करना, उनकी एफिशिएंसी अच्छे से काम में लेके आनी, ठीक है। तीसरा था फैक्टर्स के बीच में अच्छा ताल मिलाप होना चाहिए, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज क्यों होते हैं फैक्टर्स, ठीक है, कि किन कारणों के कारण हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर्स इंक्रीज हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किन कारणों के कारण हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर्स डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। Diminishing returns to factors or the law of diminishing returns may be expressed in the terms of following factors. कहते हैं ये following factors है जो हमें बताता है कि क्यों हमारा factors, हमारे returns to factors या तो गिरता है या तो law of diminishing returns यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। पहला point, fixity of the factors. Fixity of the factors is the principal cause behind the law of diminishing returns. As more and more units of variable factors are combined with fixed factors, the latter gets excessive utilized. It suffers great wear and tear, losses its efficiency. कहते क्या होता है, अब जब मशीनरी की फॉर एग्जाम्पल कैपेबिलिटी ही, लेट सपोज कि एक मशीनरी 10,000 यूनिट्स ही बना सकती है, उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही है, हमने लेबर रखी है, वो सपोज हमने 4 लेबर रखी है, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर रखी है, वो 4 यूनिट्स ऑफ लेबर मिलके 10,000
प्रोडक्शन कर रही हैं आउटपुट की, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 की जगह 6 कर दिया, ठीक है। वो जब 4 लोग पहले काम कर रहे थे तो वो अपने आप में डिवीजन करके काम कर रहे थे, अपने आप में सिस्टमेटिकली काम कर रहे थे कि पहले कौन सा यूनिट काम करेगा, फिर दूसरा कौन करेगा, ताकि मशीनरी भी अच्छे से पूरा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया, 4 से 6 यूनिट्स कर दिया। अब 6 यूनिट से क्या हुआ, वो जो 2 एडिशनल यूनिट आया होगा, वो भी जब मशीनरी पे काम करेगा तो मशीनरी पे प्रेशर बनेगा, मशीनरी ज्यादा यूज होनी शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स उस पर ज्यादा वेयर एंड टेयर यूज होने लग पड़ेगा, दैट मीन्स ज्यादा लोग काम करने लग पड़ेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मशीनरी 4 यूनिट्स ने अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है कि हमें इस तरीके से काम लाना है, अब वो जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा आई हैं वो आके अपना भी काम उसमें डाल दे, पिछले स्केड्यूल में कुछ चेंजेस कर दे, पिछले स्केड्यूल के साथ छेड़छाड़ कर दे, तो क्या होगा, मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, मशीनरी का प्रॉपर काम नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, हमारा आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जितना वेरिएबल फैक्टर्स हमें नेसेसिटी हो उससे ज्यादा अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, वेयर एंड टेयर मशीनरी में ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट फैक्टर सस्टेनेबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कहते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट, यानी ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल इम्परफेक्ट होते हैं। मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैनॉट बी कॉन्टिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल। कहते हैं जहां पे कैपिटल की जरूरत है, जहां पे मशीनरी या पैसों की जरूरत है, वहां पे लेबर ज्यादा बढ़ाने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। जहां मशीनरी ज्यादा चाहिए वहां लेबर बढ़ा दोगे तो कोई काम नहीं निकलेगा, जहां काम मशीनरी का आना है वहां मशीनरी ही चाहिए, वहां पे लेबर कोई रोल प्ले नहीं कर सकती, ठीक है। अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर बाउंड टू सेट इन इफ ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीज टू इंक्रीज आउटपुट। कहते हैं तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है जब आपको फिक्स्ड फैक्टर्स बढ़ाने की जरूरत है लेकिन आप वो बढ़ा नहीं रहे, आप सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स ही बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आपको दिख रहा है कि आपको फिक्स्ड फैक्टर्स बढ़ाने की जरूरत है, उसके बजाय आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, डिमिनिशिंग लॉ लगेगा आपका, दैट मीन्स आपके रिटर्न्स जो होंगे, आपका आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, वो कॉन्टिन्यूसली गिरता जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। हमने उसमें हम जिसके कारण रिटर्न्स बढ़ सकते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फैक्टर्स के बीच में, ठीक है ना। पुअर कोऑर्डिनेशन मीन्स बिल्कुल उसका ऑपोजिट, अगर पुअर कोऑर्डिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है रिटर्न्स क्या करेंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स अलॉन्ग विद द फिक्स फैक्टर्स इवेंचुअली डिस्टर्ब्स द आइडियल फैक्टर रेशियो, ऑप्टिमम फैक्टर रेशियो और मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर रेशियो। दिस रिजल्ट इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स, हेंस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कहते क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैक्ट्री काम कर रही हूँ, मेरी फैक्ट्री में रेशियो चल रही है 1:2 की, यानी एक मशीनरी के पीछे 2 यूनिट्स मेरे काम कर रहे हैं, और ये मेरे लिए आइडियल सिचुएशन है, दैट मीन्स ये मेरे लिए परफेक्ट सिचुएशन, ये मेरे लिए बेस्ट काम कर रही है ये रेशियो, कि एक मशीनरी के पीछे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रही हूँ तो ये मेरे लिए परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है, कि ये मेरे रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इन दोनों में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया, दैट मीन्स अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक मशीनरी के पीछे 4 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दी, तो क्या हुआ, मेरी ये आइडियल रेशियो थी, यानी इस रेशियो में मैं बहुत अच्छा आउटपुट निकाल रही थी, बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा था इस रेशियो से मेरा। जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो गई, ये रेशियो डिस्टर्ब होने के कारण क्या हुआ, मेरा आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, मेरा आउटपुट कम हो जाएगा, मेरे रिटर्न्स कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरी जो आइडियल रेशियो थी यानी मेरे काम के लिए जो परफेक्ट रेशियो बैठ रही थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। उसके चेंज होने से क्या हुआ, मेरा आउटपुट लेवल ही चेंज हो गया है, मेरा आउटपुट ही चेंज हो गया है,
ठीक है, ये क्या बता रहा है कि जब फैक्टर्स के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो, जब फैक्टर्स अच्छे से एक दूसरे के साथ काम ना करें, तो भी क्या होता है, हमारा जो रिटर्न्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि हमारे रिटर्न्स डिक्रीज क्यों करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स बिना अजम्पशंस के तो होने से नहीं रही। ठीक है, अब हमने इतने सारे पढ़ा, अभी तक हम सोच रहे थे अरे अभी तक कोई अजम्पशन आई नहीं, अब अजम्पशंस की भारी कि एक्चुअल में इसमें अजम्पशंस लगती क्या। ठीक है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, दीज आर एज फॉलो। कहते हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, और वो अजम्पशंस कुछ ऐसे। पहला, रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। कहते पहली अजम्पशन ये है कि रेशियो जो हमने, जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल देखी है वाली, कि जिस रेशियो में हम काम कर रहे थे वो रेशियो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो सकती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज्ड वन बाय वन। Thus, the law of diminishing returns sets in not because the later units of variable factors are less efficient than the former ones. It sets in because the ideal factor ratio is disturbed or because the availability of the factors reduces per units of variable factors. कहते कि जो वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स होते हैं वो माने जाते हैं, वो अज्यूम करके चले जाते हैं कि वो इक्वली एफिशिएंट होंगे। दैट मींस अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो नेक्स्ट लेबर हम बढ़ा रहे हैं, जो अपकमिंग लेबर है, वो भी उतनी ही एफिशिएंट होगी जितनी हमारी अभी प्रिवेलिंग या एग्जिस्टिंग लेबर एफिशिएंट है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी अजम्पशन होती है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जो लेबर आने वाली है या जो फिक्स्ड फैक्टर हम बढ़ाने वाले हैं वो उतने ही एफिशिएंट होंगे जितना हमारा एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है वेरिएबल फैक्टर्स का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। वो कहता कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी अजम्पशन होती है कि जो टेक्नोलॉजी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हमने अपने थ्री स्टेजेस पहले पढ़े थे, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तब हमने थ्री स्टेजेस पढ़े थे। अब इसमें थ्री स्टेजेस क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सजेस्ट दैट थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ऑल्सो कॉल्ड थ्री फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। पहला स्टेज, स्टेज वन, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग कॉल द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये तो हमने पढ़ा ना, ये तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमें टिप्स भी होना चाहिए अब तक, कि जब एमपी इंक्रीज करती है दैट मीन्स इट इज इंक्रीज इन द रिटर्न्स। ठीक है, जब एमपी डिक्रीज करती है दैट मीन्स इट इज डिक्रीज इन द रिटर्न्स, जब एमपी नेगेटिव होती है दैट मीन्स इट इज नेगेटिव रिटर्न्स। तो सिंपल है, तुमने तो पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेज वन, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग कॉल द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी एमपी बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एमपी अगर गिर रही है डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज होना तो क्या होगा, रिटर्न्स भी गिर जाएंगे। एमपी अगर नेगेटिव है तो रिटर्न्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, सिंपल है, रिटर्न्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपका एमपी कैसे रिएक्ट कर रहा है, एमपी कैसे रिएक्शन दे रहा है उसी से आपको पता चलेगा कि रिटर्न्स कैसे आएंगे। एमपी अगर बढ़ रहा है तो रिटर्न्स बढ़ेंगे, एमपी अगर गिर रहा है तो रिटर्न्स गिरेंगे, एमपी अगर नेगेटिव है तो रिटर्न्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, यानी थ्री स्टेजेस का सिग्निफिकेंस होता क्या। ठीक है, विल यू एज अ प्रोड्यूसर स्टॉप इन स्टेज वन ऑफ प्रोडक्शन। कहते उन्होंने सिचुएशन दी है कि क्या आप, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोड्यूसर हो, क्या आप एज अ प्रोड्यूसर स्टेज वन पे रुक जाएंगे। स्टेज वन क्या था कि जब एमपी बढ़ रहा था तो रिटर्न्स भी बढ़ रहे थे। कहते क्या अगर आप प्रोड्यूसर होते तो आप उस स्टेज पे रुक जाते। देखते हैं आंसर क्या दे रहे हैं, नो, बिकॉज इन स्टेज वन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स
अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज गिविंग मोर एंड मोर मार्जिनल आउटपुट. ये हमने पढ़ा है, हम फर्स्ट स्टेज में क्यों रुक जाएंगे? अगर एमपी इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, और हमने पढ़ा था एमपी इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स हम जितनी एम्प्लॉयमेंट करते जाएंगे उस टाइम पे उतना ज्यादा आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा. तो हम फर्स्ट स्टेज पे क्यों रुकेंगे? ऑब्वियसली हम आगे चलते जाएंगे ना, हम तब तक अपनी क्या कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा आउटपुट मैक्सिमम पे ना हो जाए, है ना. दैट मीन हम फर्स्ट स्टेज पे रुकेंगे ही नहीं, ठीक है. सेकंड, विल यू एज अ प्रोड्यूसर एंटर इन स्टेज थ्री ऑफ प्रोडक्शन? कहते क्या आप एज अ प्रोड्यूसर, टू उसने कहा है, टू में तो एमपी गिर रहा है लेकिन हमने क्या पढ़ा था आउटपुट भी गिर रहा है लेकिन टीपी उस टाइम पे इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड पे, ठीक है. अब वो कह रहा है एज अ प्रोड्यूसर क्या आप थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन करोगे? थर्ड स्टेज क्या थी? थर्ड स्टेज थी जब एमपी नेगेटिव था और हमारे रिटर्न्स भी नेगेटिव आ रहे थे, ठीक है. नो, बिकॉज इन स्टेज थ्री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज कॉल्ड लॉस ऑफ टोटल आउटपुट. बिकॉज एमपी इज नेगेटिव, इन फैक्ट इट इज फुलिश टू गेट इन टू द सिचुएशन वेन आउटपुट डिक्लाइन इवन वेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स. कहते इस सिचुएशन में तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं जाएगा. कौन आप बताओ कौन होगा जो इस स्टेज में जाएगा जब आपके आउटपुट ही नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना. जब हमें दिख रहा है कि टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हमारा गिरना शुरू हो गया है, यानी सेकेंड स्टेज पे पता लग रहा है कि टोटल आउटपुट गिरना शुरू हो गया है, हमें वहीं रुक जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए. दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, हम देख रहे हैं आउटपुट गिरता जा रहा है लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जा रहे हैं. आउटपुट गिर रहा है लेकिन लेबर का खर्चा आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये तो गलत हुआ ना. दैट मीन्स आप अपने खुद के एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हो, तो दैट मीन्स हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे ही नहीं. तो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आउटपुट आ नहीं रहा और हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे, ठीक है ना. इसीलिए थर्ड स्टेज पे जाना कोई सेंस ही नहीं है. क्लियर? दिस ब्रिंग अस टू द कंक्लूजन दैट यू दैट मीन अस एज अ प्रोड्यूसर विल स्टॉप ओनली इन स्टेज टू. टेक्निकली इट मीन्स दैट अ प्रोड्यूसर विल फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम ओनली इन स्टेज टू ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एमपी इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव. कहते इसका मतलब, टेक्निकली इसका मतलब कोई भी इंसान स्टेज टू में जाके रुक जाएगा. स्टेज टू में क्यों? क्योंकि वहां पे उसको उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. चाहे वहां पे एमपी गिर रहा होगा लेकिन एमपी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एमपी पॉजिटिव होगा. उस स्टेज में जाके कोई भी प्रोड्यूसर रुक जाएगा, उसके आगे वो प्रोडक्शन या उसके आगे वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स या अपनी आइडियल रेशियो को नहीं छेड़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ कि स्टेजेस हम क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि किस स्टेज पे जाना है किस में नहीं, ठीक है. नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ अ लॉ. पोस्टपोनमेंट ऑफ अ लॉ क्या होता है समझते हैं. पोस्टपोनमेंट ऑफ अ लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन इज पॉसिबल अंडर टू सिचुएशंस. कहते हैं पोस्टपोनमेंट यानी लॉ पोस्टपोन हो सकता है लेकिन सिर्फ दो सिचुएशंस. वो दो सिचुएशंस क्या हैं? पहली, व्हेन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कहता पहले तब जब हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो. अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट ग्रेटर आउटपुट इज अचीव्ड विद द सेम इनपुट. तो क्या होगा? कहते उससे क्या होगा, सेम इनपुट, सेम जितना आप वेरिएबल फैक्टर्स या अपने फिक्स फैक्टर्स यूज कर रहे थे सेम उतने से क्या होगा, आउटपुट ज्यादा निकलेगा. आउटपुट ज्यादा क्यों निकलेगा? क्योंकि मशीनरी में इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है. इस कारण क्या हो सकता है, इस कारण हमारा लॉ पोस्टपोन हो सकता है. इसका पोस्टपोन होने का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है इस टाइम पे रिटर्न्स गिरने ही शुरू हो जाए, ठीक है. इस टाइम पे ये हो सकता है कि रिटर्न्स बढ़ने शुरू हो जाए, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स इज डिस्कवर्ड. कहते तब भी हो सकता है जब फिक्स्ड फैक्टर्स का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, ठीक है. यानी इस सब फिक्स्ड फैक्टर की जरूरत जैसे लैंड की जगह कुछ और मिल जाए, आपको कोई सब्स्टिट्यूट उसका अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, ठीक है.
सो दैट द कंस्ट्रेंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स इज रिमूव्ड. इससे क्या होगा, आपको फिक्स्ड फैक्टर्स जितने आपने हमने पढ़े फिक्स्ड फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो जब सब्स्टिट्यूट मिल गया तो ये कॉन्स्टेंट वाली चीज ही थोड़ी हिल जाएगी, तो वो कॉन्स्टेंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही रेयर होती है, और ये लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं. ठीक है, कहते कि बहुत रेयर तो जरूर है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है. यही सिर्फ दो केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा लॉ पोस्टपोन हो सकता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट इज शेप ऑफ टीपी, एमपी, एपी एंड देयर रिलेशनशिप, यानी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की शेप कैसे होती है. हमने हर चीज के ग्राफ्स देखे हैं, हर चीज के कर्व्स देखे हैं, अब इनकी बारी कि इनकी शेप होती कैसे है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. ठीक है, पहले तो ये मैंने आपके लिए एक स्केड्यूल बनाया है, पहले एक स्केड्यूल देखते हैं. एक तरफ है हमारा यूनिट्स ऑफ लैंड, हमने ये लैंड अपना फिक्स फैक्टर कॉन्स्टेंट रखा है. दूसरी तरफ है लेबर, हमारा वेरिएबल फैक्टर्स. देख सकते हो वेरिएबल फैक्टर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, एक तरफ है हमारा एमपी. एमपी आप देखो, हमारा पहले यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा था, फिर यहां से यहां डिक्रीज करना शुरू हो गया, और यहां तो नेगेटिव ही चला गया. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, जब एमपी इंक्रीज कर रहा था टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा था, चाहे एमपी डिक्रीज कर रहा है तब भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था. फिर जब एमपी नेगेटिव जाने लग पड़ा तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, गिरने लग पड़ा. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का क्या हुआ, ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं. टोटल प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एमपी, दैट मीन्स एमपी का टोटल. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर. अब एवरेज प्रोडक्ट देखिए, एवरेज प्रोडक्ट भी यहां तक बढ़ रही थी. ठीक है, जहां तक एमपी बढ़ रहा था वहां तक एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था. फिर एमपी डिक्लाइन हुआ तो एपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया. ठीक है, इनके ग्राफ्स में देखते हैं ग्राफ्स क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके ड्यूल से तो समझ लग गई, पर मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफ कैसे बनते हैं. ये इन दोनों के ग्राफ होते हैं. मुझे पता है देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये कितना टफ ग्राफ है, लेकिन इसको इजीली समझते हैं. ये जो ग्राफ है ऊपर वाला फर्स्ट ग्राफ, दिस इज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, यानी ये टीपी का ग्राफ है. ठीक है, एंड दिस सेकेंड ग्राफ इज ऑफ एपी एंड एमपी कंबाइंड, एपी एंड एमपी का कंबाइंड ग्राफ. ठीक है, आप देखिए के पॉइंट यानी 3 यूनिट्स तक क्या हो रहा था, 3 यूनिट्स तक हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा था. ठीक है ना, बहुत अच्छी स्पीड पे इंक्रीज कर रहा था. जब टीपी इंक्रीज कर रहा था तो ये ग्रीन लाइन देखो हमारी क्या है, एमपी. जब टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे अच्छी स्पीड में, तो हमारा एमपी क्या था, मैक्सिमम पॉइंट पे था. ठीक है, जब एमपी मैक्सिमम पॉइंट पे था तो हमारा जो एपी था वो भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन वो मैक्सिमम पे नहीं था, इंक्रीज कर रहा था. ठीक है ना, फिर जब हमारा टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, ध्यान से देखिए, जब टीपी मैक्सिमम था यानी टोटल आउटपुट हमारा मैक्सिमम था, उस टाइम पे क्या हो, उस टाइम पे एपी डिक्लाइन हो रहा है और एमपी तो 0 हो चुका हुआ है. ठीक है, यानी जब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे होती है तो एपी डिक्लाइन कर रहा होता है और एमपी उस टाइम पे 0 हो चुकी होती है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये K और R, यानी यहाँ पे ये स्टेज 2 में, ध्यान से देखिए स्टेज 2 में क्या हो रहा है, इस एरिया में स्टेज 2 में एक ऐसा पॉइंट भी है, ये पॉइंट A वाला, जहां पे हमारा AP और MP एक दूसरे को कट कर रहे हैं. कट करने का मतलब ये है इस पॉइंट पे AP और MP हमारा इक्वल है. ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमारा AP और MP क्या है, इक्वल चल रहा है. क्लियर, आई होप ये समझ लगी आपको कि एमपी और एपी इस टाइम पे इक्वल है. अब देखते हैं हमने ऑब्जर्व क्या किया है इस सिचुएशन से. ठीक है, 1 मिनट. ऑब्जर्वेशन रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, कहते पहले हम ये देख रहे हैं रिलेशन, देख रहे हैं टीपी और एमपी का, एपी को आराम से देखते हैं, पहले टीपी एमपी देख. ठीक है, टेबल एंड फिगर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी.
So long as MP is increasing, TP is increasing at increasing rate. ये तो हमने पढ़ लिया ना अच्छे से, तो अब हमें रिवाइज हो गया है कि जब MP इंक्रीज कर रही है तो TP क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है इंक्रीजिंग रेट पे. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि मैं ब्लू वाला क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि ये उस स्केड्यूल से रिलेटेड है. हमें सिर्फ मेन कंसेप्ट जानना है, इसलिए मैं आपको मेन कंसेप्ट बता रही हूँ. ठीक है ना, MP बढ़ रहा है तब TP क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है. ठीक है, MP जब डिमिनिशिंग होना शुरू होता है, यानी MP जब गिरना शुरू होता है, तो TP इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी TP तब भी इंक्रीज करता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक है, फिर जब MP जीरो होता है तो देर इज नो एडिशन ऑफ TP, यानी MP जीरो तो TP मैक्स होता है, उसमें और भी कोई एडिशन नहीं होती है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 MP TP इज मैक्सिमम. ठीक है ना, यानी अगर MP जीरो है तो TP मैक्सिमम होगा. MP जीरो है दैट मीन्स TP में एडिशनल कोई भी इंक्रीज नहीं आ सकता है. ठीक है, ये तीन तो आइडियल सिचुएशंस हमें पता है, ये तो हमें अच्छे से रिवाइज हो चुकी है अभी तक. देन इज व्हेन MP इज नेगेटिव TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी जब MP नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो TP क्या होता है, TP गिरना शुरू हो जाता है, TP डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है. ठीक है, आई होप ये आपको स्टेजेस अब तो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में कितनी बार ये स्टेजेस पढ़े. अब तो क्लियर है कि MP इंक्रीज करेगा तो TP इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट, MP डिक्रीज करेगा तो TP इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट, MP जीरो होगा तो TP मैक्सिमम होगा. ठीक है, MP नेगेटिव होगा तो TP डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज MP इज द रेट ऑफ TP. MP इज द रेट ऑफ TP का क्या मतलब, इंक्रीजिंग MP इंप्लाइज दैट TP इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग MP इंप्लाइज दैट TP इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, 0 MP इंप्लाइज दैट TP स्टॉप्स इंक्रीजिंग, नेगेटिव MP इंप्लाइज दैट इट इज रिडक्शन ऑफ TP. सिंपल वो ये कहना चाहते हैं MP इज रेट ऑफ TP, दैट मीन्स MP डिफाइन करता है कि आपका TP कैसा होगा, दैट मीन्स MP आपको ये बताएगा कि TP कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, TP कैसा आएगा. ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है. देन इज ऑब्जर्वेशन, अभी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी MP और TP के. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन बिटवीन AP एंड MP, AP और MP के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है, कैसा रिलेशनशिप होता है. ठीक है, AP इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MP इज मोर देन AP. कहते AP तब तक इंक्रीज करता है जब तक MP AP से ज्यादा हो. ये साइन आप आई होप सबको पता है क्या होता है, इंक्रीजिंग का साइन. कहते AP तब तक बढ़ता रहेगा जब तक MP AP से ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स टिल द टाइम आपका MP AP से ज्यादा है AP बढ़ता ही रहेगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. सेकेंड पॉइंट, AP डिक्रीजेस व्हेन MP इज लेस देन AP. कहते AP डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी AP गिरना शुरू हो जाता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे MP AP से कम हो जाता है. जिस पॉइंट पे MP की वैल्यू AP से कम हो जाएगी, AP भी गिरना शुरू हो जाएगा. ठीक है, AP इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन AP इज इक्वल टू MP. कहते AP तब मैक्सिमम पे, हमने देखा था ना A पॉइंट जहां पे AP MP कट कर रहे थे, AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे तब होता है जब AP MP के इक्वल होता है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, MP मे बी जीरो और नेगेटिव बट AP कॉन्टिन्यू टू बी पॉजिटिव. कहते MP जो है वो नेगेटिव या जीरो हो सकता है लेकिन AP हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. दैट मीन्स AP कब बढ़ेगा, जब MP AP से ज्यादा होगा. AP कब डिक्रीज करेगा, जब MP AP से कम होगा. AP कब मैक्सिमम होगा, जब AP MP इक्वल होंगे. ठीक है, AP कब जीरो या जब MP नेगेटिव या जीरो होता है तो AP क्या होगा, उस टाइम पे भी पॉजिटिव रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं जाएगा. ठीक है,
अब लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, हमारा लास्ट सबसे इजी कंसेप्ट, जल्दी से देखते हैं। ज्योमेट्रिकली एमपी एंड एपी शोज फॉलोइंग रिलेशन, एमपी और एपी के बीच में रिलेशनशिप, एमपी और टीपी के बीच में रिलेशनशिप डायग्रामेटिकली कैसे होता है, जल्दी जल्दी देख लेते। पहला, इंक्रीजिंग एमपी मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये तो हमें याद हो गया कि भाई एमपी बढ़ेगा दैट मीन्स टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टेंट एमपी। कॉन्स्टेंट एमपी का मतलब होता है टीपी राइज कर रहा है कॉन्स्टेंट रेट पे, यानी टीपी सेम स्पीड में राइज कर रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आपका एमपी सेम रहेगा, एमपी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो टीपी आपका राइज कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग एमपी। जब एमपी गिरना शुरू हो जाए तो टीपी राइज करता है लेकिन डिक्लाइनिंग स्पीड पे। ये भी हमें पता है कि एमपी जब गिरता है तो टीपी इंक्रीज जरूर करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है, ठीक है ना। देन इज जीरो एंड नेगेटिव एमपी। जब एमपी जीरो हो या नेगेटिव हो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो जीरो एमपी टीपी इज मैक्सिमम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव एमपी टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन। कहते जब एमपी जीरो होगा तो टीपी मैक्सिमम पे होगा, ठीक है, और जब एमपी नेगेटिव होगा तो टीपी डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। ये था हमारा टोटल चैप्टर नंबर 7। आई होप इजी लगा होगा, इजीली समझ आया होगा चैप्टर नंबर 7 कहना क्या चाहता है, रिलेशंस क्या थे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड। ये लास्ट वीडियो थी चैप्टर नंबर 7 की। अगर कोई भी डाउट्स आपको लगते हैं चैप्टर नंबर 7 के किसी भी टॉपिक में, प्रॉब्लम आती है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं जितना हो सके जल्दी ट्राई करूंगी उसे रिवर्ट बैक करने, ठीक है। एंड थैंक यू। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।